आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान खबरें सबसे तेज। चीन की मदद से उत्तरी कोरिया और पाकिस्तान लगातार गुपचुप तरीके से परमाणु हथियार और मिसाइलें विकसित करना भारत के लिए लगातार बड़ा सिर दर्द बनता जा रहा है। उत्तरी कोरिया के हाइड्रोजन बम परीक्षण ने भारत की चिंताएं बढ़ा दी है। भारत को डर है कि कहीं नॉर्थ कोरिया के साथ घाट कर पाकिस्तान नई दिल्ली के खिलाफ प्योंगयांग के न्यूक्लियर हथियारों और मिसाइलों का फायदा उठा सकता है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को इस बात पर भी यकीन है कि चीन भले ही नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर टेस्ट की निंदा कर रहा हो, लेकिन वे इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि पाकिस्तान और उत्तरी कोरिया के तेजी से न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइलों के विकसित करने के साथ उसके पीछे चीन का हाथ है। पाकिस्तान ने बड़े ही तेजी से अपने परमाणु हथियार और मिसाइलें की संख्या में इजाफा किया है। परमाणु हथियार के मामले में वह अब भी भारत से आगे निकल गया है। एक अनुमान के मुताबिक पाकिस्तान के पास करीब 130-140 परमाणु हथियार है, जबकि भारत के पास 110-120 परमाणु हथियार है। पाकिस्तान ने अपने यूरेनियम आधारित न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है। अब वे प्लूटोनियम पर आधारित न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम कर रहा है। एक अधिकारी के मुताबिक प्लूटोनियम से हथियार और मिसाइल की क्षमता और बढ़ जाती है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने परमाणु हथियार और तकनीकी के विकास के लिए नॉर्थ कोरिया से मदद ली है। इसके बदले में नॉर्थ कोरिया ने पाकिस्तान को मिसाइल डिजाइन तकनीकी दी है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान के 1500 किलोमीटर की रेंज वाली गोरी 1 मिसाइल को नॉर्थ कोरिया के नोडोंग मिसाइल की कॉपी माना जाता है। चीन के तमाम विरोधों के बावजूद भी इन देशों ने चीन के साथ मिली भगत अब भी जारी है, जिसने भारत की चिंताएं बढ़ा दी है। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।